नमस्कार, भंसाघर में आपका स्वागत है। मैं हूँ ममता मिश्रा। आज हम आम का भरवा अचार बनाएंगे। आम को हम ले लिए हैं और कटवा करके लाए थे। उसको हम हल्दी धो करके हल्दी नमक डाल करके इसको एक दिन के लिए फूलने के लिए छोड़ दिए थे। अब हम इसमें मसाला डालेंगे, जमैन, मेथी, जीरा, सौंफ, धनिया और कलौंजी। सब मसाले को हम पीस लिए हैं भूंज करके एक ही बार में। और मिर्च है, मिर्च को भी हम भूंज लिए थे, कलौंजी को भी भूंज लिए। सबको भूंज करके हम एक रख लिए हैं। मिर्च देखिए भूंजा हुआ है और सबको पीस लिए हैं। अब हम सब जितना आम है सबको पानी में से हम निकाल देंगे। पानी छोड़ दिया है, नमक हल्दी डाल कर के हम रखे थे, पानी छोड़ दिया है। अब हम इसी पानी में सब आम को निकाल लिए, कटा हुआ आम को। अब इसी पानी में हम मसाला को डालेंगे, जो मिक्स करके मसाला सारा हम जो एक ही जगह पीसे थे वो सब डाल दिया है। ये राई डाले हैं, काला सरसों, और ये मिर्च को जो भूंजे थे उसको भी हम डाल रहे हैं। अब इसमें हम काला नमक डाले हैं, ये कलौंजी जो था मंगरेला उसको हम डाले हैं। अब नमक उसमें कम होगा सो नमक भी डाले हैं। अचार में ज़्यादा ही नमक होना चाहिए, जो उससे अचार खराब नहीं होता है। इसलिए अचार जब भी बनाए उसमें नमक तेज होना चाहिए। अब हम सबको मिक्स कर रहे हैं, सबको मिला रहे हैं। अब हल्दी डाल दिए, हल्दी तो उसमें डाला ही हुआ था लेकिन थोड़ा सा और डाले हैं, एक चम्मच। अब सबको अच्छी तरह से हम मिला करके तब हम भरेंगे अचार को, आम को। इसमें थोड़ा सा हम सिरका डाले हैं, सिरका इसलिए डालते हैं जो अचार ज़्यादा दिन टिकता है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल भी डाल रहे हैं जो मसाला सना है, सानने भर तक। नहीं भी सिरका डालेंगे तो पर भी आम में अचार में आपको नमक तेज रहेगा तो अचार खराब नहीं होगा। अब मसाला मेरा मिला लिए, मैश कर लिया है। अब हम इसको भर रहे हैं, देखिए इस तरह से। देखिए इसी तरह से सारे आम को हम भर देंगे।
देखिए करीब करीब मेरा अचार भरा गया, भर दिए हम। अब हम इसको एक दिन धूप लगाएंगे। देखिए भर कर तैयार हो गया अचार, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अब हम इसे धूप में रख दिए हैं। अब एक दिन के लिए हम इसे धूप लगाएंगे और उसके बाद हम इसको तेल में डुबो डुबो करके बयाम में बढ़िया से रख देंगे। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए अब अचार मेरा सूख गया। अब इसे हम ज़्यादा तेल नहीं डालना है, थोड़ा ही सा कम तेल में हम इसे सबको मिला करके रख देंगे बयाम में। इसी तरह सबको भिंगा भिंगा करके रखेंगे। देखिए बनकर तैयार हो गया। अब इसे कितनों सालों तक रखिएगा, खराब नहीं होगा। कोई भी अच्छी तरह से व्यायाम में रख दें भर करके और खाते रहें। धन्यवाद।